आज के मनन और चिंतन के लिए जो शास्त्र वाक्य सुना है, यूहन्ना के सुसमाचार इसका 20वां अध्याय और पद 1 से लेकर 9 तक। यूहन्ना 20 1 से 9। बैठते समय केवल हम बैठे, बात ना करें, आपसे विनती है, महिलाओं से विशेष मेरी यह विनती है कि आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें। जिन्हें बात करनी है वो नीचे जा सकते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना में है, तो कृपया इस बात को हम समझे। आइए इस समय वचनों को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20वां अध्याय पद 1 से लेकर 9 तक। नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 20 वचन 1 से लेकर 9 तक हम देखेंगे। खाली कब्र। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी ने भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पत्रस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पत्रस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पत्रस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। बड़े वचन हमारे मनन और चिंतन के लिए परमेश्वर आशीषित करे। हमारे पुनरुत्थित प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति और प्रियो की आज हम यहाँ पर हमारे पुनरुत्थित हुए प्रिय प्रभु यीशु मसीह की आराधना में हम सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजा, यद्यपि वो मारा गया, उस कलवरी क्रूस के ऊपर उसने अपने प्राण त्याग दिए, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, लेकिन वचन हमें कहता है कि तीसरे दिन वह प्रभु यीशु मसीह फिर जी उठा। और उस जी उठे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसके नाम को सराहने के लिए, उस परमेश्वर की हम दो सिताइश करने के लिए आज फिर एक बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके चरणों में मेरे प्रिय हम उपस्थित है। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि उस परमेश्वर ने सचमुच हमें आज उसके नाम में एकत्रित किया है। सुबह ही हम बेला नगर इस जगह जाकर WSS के द्वारा चलाई गई आराधना में हम सभी लोग सम्मिलित हुए। परमेश्वर ने हमें निश्चित रूप से आशीषित किया है, और आप फिर एक बार प्रभु की उन दुगनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए उस प्रभु की हुजूरी में हम यहाँ पर इस समय उपस्थित है। प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण त्याग दिया, वचन हमें कहता है, यदि हम लुका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय पद 50 से आगे यदि पढ़ते हैं तो हमें वहां पर पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागने के पश्चात यहूदिया नगर के अरिमताई के रहने वाले और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाले यूसुफ ने पिलातुस से प्रभु यीशु मसीह के शरीर की मांग की। वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर की मांग करने के बाद जब उसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर सौंपा गया, उस कलवरी क्रूस के ऊपर से उतार कर जब उसके हाथ में वो दिया गया, हम देखते हैं कि उसने यीशु के शरीर को मलमल की चादर में लपेटा, एक कब्र में उसे रखा, एक ऐसी कब्र वो जो चट्टान में खुदी हुई थी और उस कब्र में कभी भी किसी को न रखा गया, ऐसी वो कब्र थी। हम देखते हैं कि उस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को इस यूसुफ ने जो अरिमताई से था उसने वहां पर विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के शरीर को रखा। यहूदियों की रीति के अनुसार जो जरूरी था, हमारे प्रिय व्यक्ति जब यह संसार छोड़कर जाता है तो उस शरीर को जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं
तो बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ जो अंतिम विधिया है वो करते हुए इस अरिमताई के यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर को हम देखते हैं कि उस कब्र में रखा। अतः पवित्र शास्त्र में यह बताता है कि जब सप्ताह का पहला दिन आया, अर्थात सबत के दिन के पश्चात जो सप्ताह का पहला दिन शुरू होता है, वह दिन जब आया तब मरिया मग्दलीनी भोर को ही अपने साथ कई स्त्रियों को लेकर, अर्थात हम देखते हैं याकूब योन्ना की माता मरियम और सलोनी और भी कई स्त्रियां वहां पर भोर को उस कब्र के पास जाने के लिए निकली। हमने जो आरी बारी का शास्त्र पठन किया उसमें हम देखते हैं कि वह जब जा रही है अपने मन में विचार कर रही है कि उस कब्र के ऊपर, उस चट्टान में खुदी हुई कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर लगाया है, वो पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, यह भी वो सोच रही है कि यह नाम को नामुमकिन है, हम हमारी ताकत से उसे हटा नहीं सकेंगे, उसे हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, यह वो सोच रही थी। ऐसे सोचते सोचते कब्र के पास वो पहुंचती है। हम देखते हैं कि वो क्यों जाते हैं, तो यहूदी रीति के अनुसार सुगंधित वस्तुएं लेकर उस शरीर पर लगाने के लिए वह विशेष रूप से जाती है। और हम देखते हैं कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उस कब्र के ऊपर की जो ऊपर के ऊपर का जो पत्थर है वह बाजू में हटाया हुआ हमें वहां पर नजर आता है। वह देखते हैं कि इसे पहले से ही लुढ़का कर रखा है, और यह देखकर वह आनंदित भी होती है, खुश भी होती है कि हमें वह परिश्रम करने नहीं पड़ेंगे, हम वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह को देख सकेंगे। हमें बताया, हम देखते हैं कि श्वेत वस्त्र पहने हुए दो पुरुष उसी कब्र के प्रवेश द्वार पर हमें वहां पर उसे उन्हें दर्शन देते हुए नजर आते हैं। और वह जब उन्हें दर्शन देते हैं उस समय हम देखते हैं कि एक संदेश उन स्वर्गदूतों के द्वारा जो श्वेत वस्त्र पहने हुए वहां पर है उन्हें देखते हुए हमें नजर आते हैं कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। गलील में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बातें की थी, अपने मरने की बात की थी, उस मृत्यु की बात की थी जो वह सहन करने वाला है, उस मृत्यु की दशा में होकर जब वह पुनरुत्थित होने वाला है, इसके बारे में जब बताया था उन श्वेत वस्त्र पहने हुए दो पुरुषों ने, दो स्वर्गदूतों ने उन्हें यह ज्ञात कराया कि तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। अर्थात मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं योन्ना रचित सुसमाचार का जो 20वां अध्याय हमने पढ़ा, वचन हमें यह ज्ञात कराता है, वह श्वेत वस्त्र पहने हुए उन्हें यह बताना चाहते हैं यह कब्र खाली है, यह खाली कब्र है। आज विशेष रूप से जब हम उस खाली कब्र की ओर देखते हैं, यह खाली कब्र आज हमें क्या बताना चाहती है, इसकी ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वह खाली कब्र जहां पर उन श्वेत वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि तुम जीवितों को मृत्यु में क्यों तुम ढूंढते हो, मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो, यह जो संदेश दिया, वह जो खाली कब्र उनके सामने थी, हम देखते हैं कि वह खाली कब्र इस बात को बताती है कि मसीह यीशु यह पुनरुत्थित हो चुके हैं। वह खाली कब्र यह संदेश दे रही है, प्रभु यीशु मसीह इस कब्र में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। उनके कहे अनुसार उन्होंने जो बताया, जो विशेष रूप से अपने भविष्यवाणी के स्वरूप में वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की, हम देखते हैं कि चारों शुभ सुसमाचार इस बारे में बताते हैं कि वो कब्र खाली थी, वो कब्र खाली थी। यह नामुमकिन बात थी, क्योंकि हम देखते हैं कि उस कब्र के भीतर प्रभु यीशु मसीह की देह को जब रखा गया, उसके बाहर रोमी सरकार ने अपने सैनिक जो है वो भी तैनात करके रखे थे। रोमी सरकार का सील जो है वो उसके ऊपर लगा हुआ था, और उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति आवाज उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, यह एक बात वहां पर उस समय में थी। और इसीलिए यह नामुमकिन बात थी कि प्रभु यीशु मसीह को कोई वहां से ले जाए, लेकिन चारों सुसमाचार हमें यही बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मरे थे, जो गाड़े गए, वो अब जी उठे हैं। उन्हें कोई लेकर नहीं गया, उसके चेले आकर उन्हें लेकर नहीं गए, लेकिन वह जी उठे हैं। मेरे प्रियो, उस समय में कई प्रकार की ऐसी अफवाह फैलाई गई कि प्रभु यीशु मसीह के चेले रात में आकर उसके शरीर को वह लेकर चले गए,
और मेरे प्रियो यह इसलिए रोमी सरकार ने इन बातों को कहा, यदि पवित्र शास्त्र भी हम देखें तो इस प्रकार से बताया जाता है कि उन सैनिकों को पैसे देकर यह बात कही गई कि तुम्हें यह कहना है कि उसके उनके जो चेले हैं वो शिष्य आए और प्रभु यीशु मसीह को वो लेकर गए। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह जो मरा था, जो मृत्यु को उसने अपना जीवन उसने सौंप दिया था, परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप दिया था, अपना प्राण त्याग दिया था। जब उसने प्राण त्याग दिया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, यह पवित्र शास्त्र में बताता है। और जब यह फट जाता है तब परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग आपके लिए और मेरे लिए, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते उनके लिए वो मार्ग खोला गया। यह पर्दे का फटना यह इस बात को दर्शाता है, वो नीचे से किसी ने नहीं फटा, वो ऊपर से फटा। वो इतनी ऊंचाइयों पर था कि कोई उस मंदिर की उस देवड़ी पर नहीं जा सकता था, लेकिन वहां से वो पर्दा फटा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागते समय जैसे उसने अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग आपके लिए और मेरे लिए खुला गया। और यह पुनरुत्थित प्रिय प्रभु यीशु मसीह जब उस कब्र में नहीं है, वह कब्र जी इस बात की गवाही दे रही है, मैं खाली हूं। वह खाली कब्र हमें इस बात का स्मरण दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, मेरे प्रियो उसने अपने जीवित होने का, पुनरुत्थित होने का प्रमाण उसने कई जगह दिया। कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह उन्हें दिखाई दिए, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात की, प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ खाना खाया, प्रभु यीशु मसीह को कईयों ने स्पर्श किया, यह पवित्र शास्त्र में बताता है। यदि हम देखें मरियम मगदलीनी को यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20वां अध्याय पद 14 16 और 18 में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद उसे दर्शन दिया। लुका रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय 34वें पद में हम देखते हैं पत्रस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। यदि हम देखें उस इम्माउस मार्ग पर जब दो चेले चले आ रहे थे, हम देखते हैं लूका 24 और 15 पद में क्लेपास और अन्य शिष्यों को, चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। जब चेले एक बंद कमरे में अपने आप को छुपाकर बैठे थे, वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया। लूका 24 36 से 43 वचन हमें यह याद कराता है, प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर अपने चेलों को दर्शन दिया। मत्ती 28 10 और 17 वचन हमें ज्ञात कराता है, कईयों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बात की। मत्ती 28 10 और 18 वचन हमें बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, उन्होंने अपने चेलों के साथ खाना भी खाया। लुका 24 और उसके 30 35 वचन में हम देख सकते हैं, हम देखते हैं कि विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह को एक स्त्री ने स्पर्श किया। मत्ती 28 और 9 पद हमें यह ज्ञात कराता है, प्रभु यीशु मसीह का चेला जो थोमा था, उसने यूहन्ना 20 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श करते हुए इस बात को देखा कि हाँ वो जिलाया गया है, जिस शरीर के साथ वो क्रूस पर मारा गया, वह अब गाड़ा गया, वह उसी शरीर के साथ वो पुनरुत्थित हुआ, इस बात का प्रमाण उसे स्पर्श करते हुए उसके चेलों ने अपने जीवन में अनुभव किया। इसीलिए मेरे प्रियो हम देखते हैं कि मसीह यीशु का यह पुनरुत्थान मसीही आशा की एक नींव है, इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ। यह मसीह विश्वास की आशा की यह नींव है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, वह मृत्यु में पड़ा ही नहीं रहा, उसके कहे अनुसार, परमेश्वर के कहे अनुसार, वायदे अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा है। आपके लिए और मेरे लिए वह जी उठा है। पुराने नियम में जो उसके बारे में कहा गया कि उसका जन्म कैसे होगा, उसकी मृत्यु के बारे में भी जो कहा गया वह 100% पूरा हुआ। इसीलिए पुराना नियम, हम देखते हैं कि पुराने नियम की घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के जीवन तथा सेवा को जिस रीति से प्रकट करती है, उसके पुनरुत्थान के बारे में भी हम उस बात का प्रकटीकरण विशेष रूप से परमेश्वर के वचनों में देखते हैं। पुराने नियम में जिस रीति से परमेश्वर ने इसराइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर उन्हें कनान देश की ओर ले गया, पहलोटा का मृत्यु जो हमने देखा कि एक मेमने को, निर्दोष मेमने को बलि चढ़ाकर अपने घर पर उस क्रूस के उस लहू को जो लगाएगा उसके घर में परमेश्वर की पीड़ा नहीं आएगी, उस घर को छोड़कर लांग कर वह परमेश्वर की पीड़ा आगे गुजर जाएगी। यह बात को जब हम देखते हैं वह पूरा होना प्रभु यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान में हमें अपने जीवन में प्राप्त होता है।
प्रभु यीशु मसीह की यदि हम इस रीति से कह सकते हैं, किसी परमेश्वर के एक भक्त ने कहा कि द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल बिकेम हिज स्टोरी, जो इज़राइल का इतिहास था वह प्रभु यीशु मसीह की कहानी बना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से इस कहानी को प्रकट किया, इस बात को प्रकट किया कि जैसे परमेश्वर ने इसराइल को एक मेमने के द्वारा बचाया, उनकी रक्षा की, जब निर्दोष मेमना बलि चढ़ाया गया, उसका लहू बहाया गया, उस लहू को जिस घर पर पाया उस घर को लांग कर परमेश्वर का आत्मा आगे गया, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस के ऊपर प्राण दिया गया, उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने सारी जगत से अपना प्यार प्रकट किया, उन्हें बचाया, और प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ है इस बात को प्रकट करता है कि कनान देश का राज्य हमारे लिए खुला है, उस स्वर्ग का राज्य, सार्वकालिक जीवन का मार्ग आपके लिए और मेरे लिए खोला गया है, और इसीलिए द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल बिकेम हिज स्टोरी। यह परमेश्वर के अनुभव से, लोगों के अनुभव से हम विशेष रूप से देखते हैं। सो वो खाली कब्र जहां पर प्रभु यीशु मसीह का शरीर रखा गया था, वह जब वहां पर नहीं है, वह इस बात को प्रकट करती है प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना बलिदान उस कलवरी क्रूस के ऊपर दिया, उस बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया, क्योंकि हम देखते हैं कि मानव जाति के उद्धार के लिए एक पवित्र निर्दोष मेमने का लहू जरूरी था। वह मेमना प्रभु यीशु मसीह स्वयं था। यदि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है, वह कब्र जिसमें प्रभु यीशु मसीह रखा था वह नहीं है, वह कब्र खाली है, इस बात को प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया गया है। God has accepted Jesus' sacrifice. प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान था वह परमेश्वर ने कबूल किया है। और इसीलिए यदि हम देखें प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय और 36वां पद यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि जब पतरस अपने भाषण को उन लोगों के बीच में देता है, पुनरुत्थित प्रिय प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब वो बताता है, वह यह कहता है, अतः अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, अर्थात परमेश्वर ने जिसे उद्धार के लिए भेजा परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण किया है। और इसलिए वो खाली कब्र हमें इस बात का प्रमाण देती है कि प्रभु यीशु मसीह का वह बलिदान जो है वह व्यर्थ नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आपके लिए और मेरे लिए उसने अपनी जान दी, यह व्यर्थ नहीं गई, लेकिन उसे परमेश्वर ने स्वीकार किया है। यदि हम रोमियो की पत्री इसका 4:25 यदि हम देखते हैं, वहां पर हमें यह बात पता चलती है कि वह खाली कब्र हमें अपने जीवन में इस बात को प्रमाणित करती है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे लिए जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के कारण उसे उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, वह उस प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा आपको और मुझे धर्मी ठहराया गया है। यदि हम पढ़े रोमियो 4:25 कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिनाया भी गया। हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया, अगर वो पकड़वाया जाता और मृत्यु में ही रहता, मेरे प्रियो हमारे लिए धर्मी ठहरना ये बहुत मुश्किल था, यह नामुमकिन था। हम अपने आप के बलबूते पर हम धर्मी नहीं ठहर सकते, हम परमेश्वर के दृष्टि में हम पवित्र निर्दोष नहीं हो सकते। इसके लिए हमें उस निर्दोष और पवित्र मेमने के लहू की जरूरत थी, उस अर्पण की जरूरत थी, उस बलिदान की जरूरत थी, उस सैक्रिफाइस की जरूरत थी। और वचन कहता है कि यदि उसे हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, मारा गया, तो हमें धर्मी ठहराने के लिए उसे जिलाया भी गया है। सो आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, आप और हम जब उस खाली कब्र की ओर देखते हैं, वो खाली कब्र हमें इस बात का एहसास दिला रही है कि हम धर्मी ठहर चुके हैं। धर्मी होने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार कर लिया है। अगर हम कहेंगे कि हम अपने जीवन से, अपने अपने कामों से, अपने अपनी बातों से, अपनी अच्छाइयों से, अपनी भलाइयों से हम धर्मी ठहरेंगे, नहीं प्रियो, हम अपने भलाइयों से, अपनी बातों से हम धर्मी नहीं ठहर सकते।
और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जिलाया जाना जरूरी था। और इसीलिए खाली कब्र इस बात की गवाही दे रही है कि आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह के जिलाए जाने से हम धर्मी ठहर चुके हैं। परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में उसने स्वीकार किया है। पहला पत्रस इसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद यदि हम देखें, वो वचन हमें यह स्पष्ट रीति से कहता है कि यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को यदि जिलाया है तो इसीलिए जिलाया। पहला पत्रस पहला अध्याय और तीसरा वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, उस खाली कब्र के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें नया जन्म दिया है। वह खाली कब्र इस बात की गवाही दे रही है कि आपका और मेरा नया जन्म हो सकता है। आपका और मेरा नया जन्म होने की आशीष उस खाली कब्र से हमें मिल रही है। उस खाली कब्र से यदि हम जाए हम वहां पर देखें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस खाली कब्र में जब यीशु मसीह को रखा गया, प्रभु यीशु मसीह को यहूदी रीति अनुसार जब वहां पर रखा गया, हम देखते हैं कि जब वो वहां पर नहीं है, वो पुनरुत्थित हुआ, उसने अपने पुनरुत्थान के प्रमाण को, जिलाए जाने को उसने लोगों के बीच में प्रकट किया। इस बात को जब हम देखते हैं हमें यह आशा प्राप्त हुई कि आपका और मेरा नया जन्म है। और नया जन्म जब तक हम प्राप्त नहीं करते स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। वो नया जन्म प्रभु यीशु मसीह के जिलाए जाने के द्वारा आपको मुझे मिला है। सो ये खाली कब्र जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं कि वो कब्र खाली है। वो खाली कब्र ये नहीं बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं है, अभी सब कुछ खत्म हो गया। वो खाली कब्र ये बता रही है कि आपको अब मेरा नया जन्म निश्चित है, आपको मुझे नया जन्म ये मिलने वाला है। हम इस पुराने जन्म से होकर ही हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम देखते हैं पहले आदम के द्वारा हमारे जीवन में क्या आया। वचन कहता है पहले आदम के द्वारा हमें मृत्यु प्राप्त हुई, पहले आदम के द्वारा हमें मृत्यु प्राप्त हुई, लेकिन जो दूसरा आदम है उस दूसरे आदम के द्वारा हमारा पुनरुत्थान भी निश्चित किया गया है। यदि हम पढ़े पहला कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय 12 से 22 वचनों को यदि हम ध्यान से पढ़े तो हमें वहां पर यह बात पता चलती है, हमारा पुनरुत्थान यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में यह निश्चित किया गया। वही 20 और 21 वचन कहते हैं, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, उस पहले आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, हम देखते हैं कि मृत्यु ने हमारे जीवन में प्रवेश किया, इस जगत में प्रवेश किया। और वचन कहता है कि जैसे उस मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। यदि हम मर जाए तो मरने के बाद हमारे लिए परमेश्वर ने एक आशा दी है। मृत्यु के बाद मसीह लोगों के लिए सब खत्म हो गया ऐसा नहीं है, इस मृत्यु के पश्चात एक नया जीवन शुरू होता है। इस मृत्यु के पश्चात एक सार्वकालिक जीवन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और उस सार्वकालिक जीवन की आशा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हमें प्राप्त हुई है। और इसीलिए हम देखते हैं कि वचन के माध्यम से उस खाली कब्र जिसमें मृत्यु थी हमें यह बात को, इस बात की वो गवाही देती है, लाइफ इज मोर पावरफुल देन डेथ। जीवन जो है वो मृत्यु से बढ़कर है, मृत्यु से सामर्थ्यशाली है। उस कब्र में मृत्यु थी लेकिन जब वो कब्र खाली पाई गई वह मृत्यु जीवन में परिवर्तित हो गई। और इसीलिए लाइफ इज मोर पावरफुल देन डेथ, यह स्टेटमेंट मसीह लोगों के जीवन में लागू पड़ता है। हमारे मसीह विश्वास की नींव इस स्टेटमेंट में पाई जाती है। यह भी हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिलता है यह मृत्यु से बढ़कर है। मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किए हुए जीवन को, हमारे जीवन में वो मृत्यु जो है वो हमें रोक नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उस कब्र जो खाली है, उस खाली कब्र के द्वारा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की सामर्थ परमेश्वर के द्वारा प्राप्त है। यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता, यदि मृत्यु की दशा में ही प्रभु यीशु मसीह पड़े रहते, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 12 से वचनों से आगे यदि हम देखें हम इस बात को पाते हैं कि हम यद्यपि पापों में ही पड़े रहते, यीशु मसीह का यदि पुनरुत्थान नहीं होता
उस कलवरी क्रूस के ऊपर उसने प्राण दिया, उसने अपना प्राण त्याग दिया, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, उसकी मृत्यु हो गई। यदि वो पुनरुत्थित नहीं होता तो आज भी हम पापों में ही पड़े रहते हैं। रोमियो 6:23 वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हम पापों में रहते तो उस मृत्यु की दशा में हम आज भी पड़े रहते। लेकिन मेरे प्रियो, हमें वचन कहता है कि लाइफ इज मोर पावरफुल देन डेथ। वो खाली कब्र जिसमें मृत्यु थी, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित होना, उसका जिलाया जाना, वो प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन फिर से वापस प्राप्त होता है, वो मृत्यु से बढ़कर, मृत्यु से सामर्थ्यशाली है। इस बात को हम देखते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। इसी वचनों में यदि हम देखें तो वचन कहता है, 17 वचन को पढ़े, पहला कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय और उसका 17 वचन कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। अठारह वचन कहता है, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। हम कहते हैं कि हमारे प्रियजन जो मसीह में सो जाते हैं, हम उनसे फिर मिलेंगे, वो फिर से पुनरुत्थित होंगे, उनका भी प्रभाव भी जिलाए जाएंगे। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह जी ही नहीं उठे तो वो भी उस मृत्यु की दशा में नष्ट हो चुके हैं। वचन कहता है, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। और इसीलिए आगे कहता है, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के ही द्वारा मरीबों का पुनरुत्थान भी आया है। आपका मेरा पुनरुत्थान उस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा यह मुमकिन हो चुका है। आने वाले भविष्य में हमारे जीवन में जिस सार्वकालिक जीवन के लिए हम इस संसार में दौड़ रहे हैं, अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जब एक व्यक्ति मृत्यु पाता है, अपने जीवन यात्रा को समाप्त करता है, उसने अपनी दौड़ दौड़ दी है और अभी वह सार्वकालिक जीवन की ओर, उस अनंतकालिक जीवन की ओर वह बढ़ चुका है। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ ही नहीं तो उस दौड़ में हम दौड़े ही नहीं है, उस दौड़ में हमने अपने कदम ही नहीं रखे है, उस सार्वकालिक जीवन के हम भागीदार हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये हुआ ही नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के द्वारा वो खाली कब्र आज इस बात का एहसास दिलाती है, वो खाली कब्र आज इस बात की गवाही देती है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया गया, उस बलिदान को स्वीकार करने के द्वारा हमारे जीवन में हम धर्मी ठहरे हैं, अपने बलबूते पर नहीं, अपनी अच्छाइयों पर नहीं, अपने अच्छे कर्म से नहीं, अपने चैरिटी के काम से नहीं, परमेश्वर की दया के अनुसार, उसके कृपादान के अनुसार हम अपने जीवन में धर्मी ठहरते हैं। हमें वह धर्मी परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त होता, प्राप्त हमने किया है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारा पुनरुत्थान उस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हमें अपने जीवन में प्राप्त हुआ है। हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, आज हमारा यहाँ पर बैठना व्यर्थ नहीं है, आज हमारा यहाँ पर समय व्यतीत करना यह व्यर्थ नहीं है, दुनिया की बातों को छोड़कर परमेश्वर की हुजूरी में आना यह व्यर्थ नहीं है, अपनी अच्छी बातों को छोड़कर प्रभु के सम्मुख आना यह व्यर्थ नहीं है। यह हमारे लिए आशीष का कारण है, यह हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा यह आशीष का कारण है, और यह आशीष पुनरुत्थान की आशीष है। वो खाली कब्र आज पुनरुत्थान की आशा, जिलाए जाने की आशा आपको और मुझे अपने जीवन में दे रही है। और इसीलिए मेरे प्रियो, एक बार दो पोएट थे, कवि थे, जो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे थे। 1740 के दरमियान की एक बात है, यदि गूगल पर भी आप इसे ढूंढे तो आपको मिलेगा। 1740 के दरमियान दो कवि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और गिलबर्ट वेस्ट और बैरन जॉर्ज लिटिलटोन, ये उन दोनों का नाम था। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, मसीहत किस प्रकार से है, मसीह जीवन किस प्रकार से है, प्रभु यीशु मसीह कैसा है, कौन है, इस बात पर यह दोनों गिलबर्ट और बैरन जॉर्ज यह विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे। और इस चर्चा के दरमियान उन्होंने यह पाया कि मसीह जीवन में दो बातें महत्वपूर्ण है, या फिर मसीह धर्म में दो बातें महत्वपूर्ण है, वह यह कि जब मसीहत है तो यह मसीहत प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को प्रमाणित करती है, और दूसरी बात
मसीहत में जो पौलुस है, जो पहले शाऊल था, इसका भी परिवर्तन हुआ है। यह भी एक बात प्रमाणित है, क्योंकि जो कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह को सताव करने वाला था, उसका परिवर्तन होकर उसने कई कलीसियाओं की निर्मिति की, कई कलीसियाओं को उसने तैयार किया, कई कलीसियाओं को उसने विशेष रूप से खड़ा किया। जब यह दो बातें उन्होंने देखी, उन दो बातों के ऊपर वो चर्चा करने लगे। और इस प्रकार से कहा जाता है कि ईसाई लोगों की मसीहत की दो घटनाओं का उन्होंने खंडन किया। गूगल में भी यदि आप देखें तो इस बात को आप देख सकते हैं। कई बार यह उदाहरण मेरे सामने आता है, मुझे पसंद है यह उदाहरण। ये दो व्यक्तियों ने चर्चा की और यह ऐसा ठहराया कि हम इस बात को प्रमाणित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ ही नहीं, वह मर गए, वह मृत्यु की दशा में पड़े रहे। और दूसरे ने कहा, अर्थात बैरन जॉर्ज ने कहा, लिटिल टॉन ने, कि पौलुस का परिवर्तन भी हुआ नहीं, पौलुस का परिवर्तन भी हुआ नहीं। इस बारे में दोनों ने चर्चा की, इस बात को तय किया कि हम इस बात को प्रमाणित करेंगे। और उस समय के जो राजा है उनके पास में उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम साल भर इसकी पढ़ाई करेंगे और अपने निष्कर्षों पर जब हम पहुंचते हैं, हम निश्चित रूप से यह बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ ही नहीं और पौलुस का भी परिवर्तन हुआ ही नहीं। इस बात को हम इस बात का हम खंडन करते हैं और इसे हम प्रमाणित करेंगे। जब विशेष रूप से एक साल के श्रम साध्य शोध करते हुए बहुत परिश्रम के साथ जब उन्होंने इस बात को देखा, इस बात को उन्होंने लिखना चाहा, इस बात को उन्होंने ढूंढना चाहा, जब वो ऐसा करते करते उन्होंने साल उन्होंने उसके ऊपर जब व्यतीत किया और जब अपने निष्कर्षों के साथ वो सामने पहुंचते हैं, सामने आते हैं, तो हम यह देखते हैं कि उनके निष्कर्षों में उन्हें लिखना था कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ ही नहीं, पौल का भी परिवर्तन हुआ ही नहीं। दोनों ने किताब लिख दी कि प्रूविंग रेजरेक्शन ऑफ जीसस एंड पॉल्स कन्वर्जन। उन्होंने इस बात को लिख दिया कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और पौलुस का भी परिवर्तन हुआ है। वह लिखते लिखते, वह निष्कर्ष निकालते निकालते, अपने श्रम करते हुए, विशेष रूप से ढूंढते हुए, उन्होंने इस बात को पाया कि इतिहास भी इस बात का गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। इसे हम नकार नहीं सकते और इसीलिए गिल्बर्ट वेस्ट और बैरन जॉर्ज लिटिलटन, इसकी किताब हमें गूगल पर भी प्राप्त होती है कि 1740 के दरमियान उन्होंने इस पर इस तरह से अपने जीवन में करना चाहा, लेकिन वो खाली कब्र उन्हें इस बात के लिए तैयार की। उस खाली कब्र में जब उन्होंने ढूंढना चाहा, उस खाली कब्र ने इस बात की गवाही दी, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। और उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पौलुस को भी दर्शन दिया और उसका परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। सो खाली कब्र जब हमारे जीवन में प्राप्त होती है, उस खाली कब्र की ओर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उस खाली कब्र की ओर जब हम मनन चिंतन करते हैं, उस खाली कब्र में जब हम ढूंढने के लिए भीतर जाते हैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। उन लोगों का, उन दो कवियों का जीवन परिवर्तित हो गया, उनके विचार बदल गए, उनका नकारात्मक दृष्टिकोण बदल गया, वो सकारात्मक हो गए। वह पुनरुत्थान, वह खाली कब्र क्या आज हमारे जीवन को नहीं बदल सकती? वह खाली कब्र क्या आज हमारे जीवन में बदलाव नहीं ला सकती? हम देखते हैं योना रचित सुसमाचार को जब हमने पढ़ा, उसका 20वां अध्याय में यह बताता है, योना वहां पर लिखता है कि पतरस तो भीतर चला गया, लेकिन योना जो है वहां पर भीतर न गया। और ऐसे करते समय हम देखते हैं कि जब वो भीतर गया तो वचन कहता है कि उसने विश्वास किया कि कब्र में यीशु नहीं है, वो कब्र खाली है, उसने विश्वास किया। आज मेरे प्रियो, इस पुनरुत्थान के आनंद को मनाने के लिए जब हम इस आराधना में आए हैं, मैं ये विश्वास रखता हूं कि हमें खाली कब्र में आज हमने प्रवेश किया है। इस आराधना में, उस खाली कब्र में आते हुए परमेश्वर का जय जयकार करते हुए हम यह सोचते हैं कि उस तीसरे दिन ही मरियम मग्दलीनी, योहन्ना याकूब की माता मरियम, सलोनी वहां पर यहूदी रीति अनुसार सुगंधित मसाले लिए हुए, वस्तु लिए हुए, वहां पर उसे अभिषेक करने के लिए वो जाती है। उसी तरह आज हम भी परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करने के लिए जगत की बातों से अलिप्त होकर इस खाली कब्र, इस आराधना में हम आज सम्मिलित हुए। और हम इस बात पर विश्वास हमें रखना है कि यह खाली कब्र आज हमारे जीवन को बदल रही है।
यह खालिकाब राज हमारे जीवन में सकारात्मकता ला रही है। हमारे जीवन की नकारात्मक बातें, हमारे जीवन की नकारात्मक शक्ति जो निगेटिविटी है, यह खाली कब्र निकालते हुए हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा पॉजिटिविटी दे रही है। ये पॉजिटिविटी किस लिए, ये सकारात्मकता किस लिए? आपको और मेरा जीवन बदले इसलिए। अन्यथा उस खाली कब्र को तो हम हर साल देखेंगे, हर साल उसकी ओर दृष्टि लगाएंगे। शायद आज जैसे हमने प्रतीकात्मक रीति से उस खाली कब्र को वहां पर बनाया, हम उसमें प्रवेश होकर के आएंगे, घूम के तो आएंगे, लेकिन हमारा जीवन वैसा ही रहेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा, उस कलवरी क्रूस की मृत्यु उसने इसलिए सही कि आपका और मेरा उद्धार हो, हमारा जीवन बदल जाए, हम नकारात्मकता में नहीं, शैतान के अधिकार में नहीं, हम परमेश्वर के अनुशासन में अपने जीवन को आगे बढ़ाए, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के पुत्र की वो खाली कब्र आज गवाही दे रही है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्वीकार किया गया, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करते हुए आपको और मुझे धर्मी ठहराया गया। प्रभु यीशु मसीह की वो खाली कब्र जो है हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि आपका और मेरा नया जन्म है, हम नए जन्म के साथ आगे बढ़े हैं या पुराने जीवन में ही अभी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पुराना रहने के लिए उस कलवरी क्रूस की मृत्यु को नहीं सहा, उससे वह पुनरुत्थि इसलिए नहीं हुआ कि मैं पुरानी दशा में रहूं, लेकिन वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, वे नई हो चुकी है। क्या आज वो खाली कब्र हमारे जीवन में नयापन दे रही है? उस खाली कब्र का जो नयापन है क्या आज हमने अपने जीवन में अपनाया है? आज हमें इस बात पर सोचना है। प्रभु चाहता है कि उस नयेपन को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़े, उस नयेपन को हम अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में उसकी आशीष देना चाह रहा है। मेरे प्रियो, हमें यह कहना चाहता है कि लाइफ इज मोर पावरफुल देन डेथ। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने इस बात को प्रमाणित किया, उस खाली कब्र ने इस बात को प्रमाणित किया कि मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं सकी। उसमें जो जीवन था, यूहन्ना 10:10 में वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और वो जीवन बहुतायत का जीवन दूं। वह जीवन उस मृत्यु के मृत्यु जो है उस जीवन को रोक नहीं सकी। यह बात हम देखते हैं क्योंकि वह बहुतायत का जीवन आपके लिए और मेरे लिए, हमें जीवन मिले इसलिए उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने पराजित किया और वह विजय हुआ। और आज आपको और मुझे उसने जयवंश से बढ़कर किया है। आज आप और मैं जयवंश से बढ़कर है। क्या हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि खाली कब्र को देखकर आज हमारे अंदर भी खालीपन है? वो खाली कब्र जो है हमारे जीवन के खालीपन को भरने के लिए वह प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से जिलाया गया है। आज यदि हमारे जीवन में यदि खालीपन है तो हमें सोचना है कि मैं अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ चुका है, मेरे जीवन का खालीपन निकल जाता है, मेरे जीवन के दुख तकलीफ निकल जाते हैं, मेरे जीवन के जो भी निराशा है वो दूर हो जाती है, मुझे सामर्थ्य मिलती है, क्योंकि लाइफ इज मोर पावरफुल देन डेथ। हमारे जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन की कई नकारात्मक बातों से बढ़कर है, क्योंकि वो हमारे लिए जीवन देने के लिए, हमें नया बनाने के लिए उसने पुनरुत्थान को प्राप्त किया है, उस मृत्यु पर उसने जय को प्राप्त किया है। सो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में नया बनते रहे, अपने जीवन के खालीपन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भरते रहे, खालीपन ही अपने जीवन में ना रखे, हम यह नकारात्मक बातों में ही अपने जीवन को हम पड़े रहने नहीं दे, लेकिन हम कहे प्रभु तू मेरे साथ है, वो खाली कब्र ने आज मेरे जीवन को भर दिया है, उस खाली कब्र ने आज मेरे जीवन की निराशाओं को आशा में बदल दिया है, क्योंकि खाली कब्र हमारे मसीहत के नींव की यह एक आशा है कि हमें परमेश्वर ने उस स्वर्ग के राज्य की आशा दी है। सो अपने आप को हम तैयार करें कि मैं उस आशा में दृढ़ हूँ, परमेश्वर के द्वारा जो धर्मी मैं ठहराया गया हूँ, मैं धार्मिकता का जीवन व्यतीत करूँ, नया मैं बनता जाऊँ, पुराना मैं छोड़ता जाऊँ, और परमेश्वर में मैं अपने लिए जो आशीष है उन आशीषों को मैं भूलता जाऊँ। सो परमेश्वर उस खाली कब्र के द्वारा हमें जो आशीष देना चाहता है वो आशीष हम सबों को हमारे जीवन में प्राप्त हो, हम खाली ना रहे, निराश ना रहे, दुखी ना रहे, कष्टी ना रहे, हम बोझ के नीचे ना रहे, लेकिन उस खाली कब्र में जो आशीष है उस आशीष को अपने जीवन में आप स्वीकार करें।
प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हमारे सदाचित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आश्चर्य बार हम आपके समुद्रता में अपने जीवन को उपस्थित करते हैं। प्रभु हम आपसे कहना चाहते हैं कि वो खाली कब्र किसी खाली पल को हमारे सामने प्रकट नहीं कर रही, लेकिन वो खाली कब्र यह गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान स्वीकार किया गया। प्रभु यीशु मसीह यह हमारे पापों के कारण पकड़े गए, पकड़वाए गए, लेकिन वो खाली कब्र उसका जिलाया जाना हमें धर्मी ठहराता है, इस बात को प्रमाणित करती है। और इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, इन बीते हुए 40 दिनों के उपवास कालीन में समय में प्रभु हमने अपने आप को आपके सामने रिक्त किया, और आज हम चाहते हैं कि हमने जब अपने आप को आपके सम्मुखता में रिक्त किया, खाली किया, उस खाली कब्र के द्वारा आज आप हमें भर दे पिता। यहाँ से आगे प्रभु हमारे उपवास के समय तो नहीं है, लेकिन प्रभु उसके अनुसार हम धार्मिकता में आगे बढ़ते रहे, ऐसी आप कृपा करें, हम आपसे विनती कर रहे हैं। हमारा हरेक का जीवन हम आपके हाथों में देते हैं, उस पुनरुत्थान की आशा से आप हमें प्रभु एक नई दिशा प्रदान करें, यह हमारे समय आपसे प्रार्थना है। हमारे कलीसिया को आने वाले दिनों में आप नई दिशा दे प्रभु, नया मार्ग दे, नया उत्साह दे, नया विश्वास दे, नई सेवा दे, नया कार्य दे प्रभु, नई योजनाएं दे, नया बोझ दे प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं कि इस खाली कब्र के द्वारा हम अपने जीवन में नए किए जाए पिता, सकारात्मकता से प्रभु हम अपने जीवन में भरते जाए। हम इस समय आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन को आपके द्वारा आशीषित करें। सारा आदर सारी महिमा हमारे पुनरुत्थित प्रिय प्रभु यीशु मसीह को देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे के नाम में मांगते सुनिए, प्रभु यीशु के रूप में। आमीन।